नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आईएमए और योग गुरु स्वामी रामदेव के बीच नाराजगी और गुस्से की दीवार ऊंची होती जा रही। कल यानी 1 जून को रेजिडेंट डॉक्टर्स फेडरेशन ने काली पट्टी बांधकर स्वामी रामदेव का विरोध करने का आह्वान किया है। ऐसे में इस विवाद का अंत कैसे होगा, गलती किसकी है? महामारी के संकट काल में एलोपैथी और आयुर्वेद जैसे चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे के साथ खड़ी होने के बजाय एक दूसरे के आमने सामने क्यों है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब मिलेगा योग गुरु स्वामी रामदेव के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इसके बाद भारत के वैक्सीन गणित को हम डीकोड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर चुभने वाले सवाल पूछे, जैसे केंद्र को सस्ती और राज्यों को महंगी वैक्सीन क्यों, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के टीकों को राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ा गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गांवों में कैसे मुमकिन होगा, क्या नीति बनाने वाले लोग जमीनी हालात नहीं जानते। आज ऐसे सवालों की कसौटी पर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को परखेंगे। वैक्सीन की कमी के इस दौर में भारत में इस बात पर भी रिसर्च होने वाला है कि क्या कोविशील्ड की सिंगल डोज ही कोरोना से बचाव के लिए काफी है। कुछ स्टडीज में यह दावा किया जा रहा है कि अगर कोरोना हो चुका है तो पर्याप्त एंटीबॉडीज बनाने के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। आखिर ऐसे दावों में कितना दम है, इस पर भी आपको हम खबरदार करेंगे। 1 जून का दिन एक्स्ट्रा खबरदार रहने का दिन है। नौकरी पेशा लोगों के पीएफ से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 1 जून से पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी है। ऐसा न करने पर जो कंपनी का पीएफ शेयर आपके पीएफ खाते में जमा होता है वो रुक सकता है। अच्छी खबर यह है कि ईपीएफओ ने कोरोना महामारी को देखते हुए पीएफ के एडवांस रकम निकालने का सुविधा प्रदान फिर से दी है। जो लोग वीडियो और फोटो का बैकअप रखने के लिए गूगल फोटोज का इस्तेमाल करते हैं और 15 GB की स्पेस इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें 1 जून से फोटोज या वीडियोज अपलोड करने के लिए पैसे देने होंगे। अभी तक ये सेवा मुफ्त थी। यूट्यूब से कमाई करने वालों को 1 जून से झटका लगने वाला है। यूट्यूब वाली कमाई पर लोगों को टैक्स देना होगा, हालांकि लोगों को सिर्फ उन्हीं व्यूज पर टैक्स देना होगा जो अमेरिकी दर्शकों से मिले हैं। कोरोना के इस समय में समूचा जो चिकित्सक वर्ग है और सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति इस समय देश में जिस तरीके से आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ हो गया है उसे देखकर कुछ सकते में तो जरूर है। तो आखिर इसका अंत कैसे होगा, अंत होगा या नहीं होगा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। इस समय स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत है आपका। लोग व्यथित हैं स्वामी जी इस समय। आज की तारीख में अगर मैं ये कहूं कि कल जब आईएमए ने कहा कि भाई हम काला दिवस मनाएंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे न सिर्फ माफी की मांग करते हैं बल्कि मानहानि का मुकदमा अगर होता है तो वो हजारों करोड़ में जाता है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी जाती है, ये क्या कर डाला आपने कि आज लग रहा है कि पूरा जो एलोपैथिक डॉक्टर वर्ग है वो आपके सामने आपके समक्ष खड़ा हो गया है? प्रथम तो श्वेता जी, इस पूरे उपक्रम में मैं अपना बयान वापस ले चुका हूं, खेद व्यक्त कर चुका हूं, फिर से कह रहा हूं क्षम्यताम। और मैंने ये भी कहा है कि जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर करके दूसरों की जिंदगियों को बचाया है, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को, वहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारियों से लेकर के ड्राइवरों से लेकर के जिन्होंने भी इस वैश्विक महामारी में अपने योगदान दिए हैं, उनको फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। दरअसल बात जो है वो आईएमए के एक बहुत ही भद्दे रवैये से बात उभर करके आती है ऊपर, जब वो आयुर्वेद को सूडो साइंस कहते हैं। अभी एलोपैथी में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के जो एम्स के डायरेक्टर हैं, हमारे ऋषिकेश के डायरेक्टर आदरणीय श्री रविकांत जी से लेकर के, जो कहते हैं कि 90% रोगी घर पर रह करके ही योगाभ्यास प्राणायाम करके अपने खान पान को ठीक करके अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके ठीक हो सकते हैं। जब मैंने ये कह दिया कि भाई 10% रोगी यदि एलोपैथी से ठीक हुए तो घरों पर रह करके लोगों ने अपने आप को ठीक किया है 90% रोगों में, तो इसमें
आयुर्वेद का अपमान क्यों, योग का अपमान क्यों, अनादर क्यों? और बार बार IMA जो कि जो है बल्ब को, पेंट को और साबुन तेल को उसको प्रमाणित करने का काम कर रहा है, और कोरोनिल को अप्रमाणिक कह करके और आयुर्वेद की मजाक उड़ाता है। विवाद मात्र इस बात से, मैंने कहा है कि सर्जरी में, यद्यपि सर्जरी के शल्य चिकित्सा के आविष्कारक महर्षि सुश्रुत हैं, तो भी मैं कहता हूं कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की, वह प्रशंसनीय है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और मैं करता हूं। लेकिन यह जो एक दूसरे के प्रति जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, असमानता और अस्पृश्यता जैसी बातें आ जाती हैं, आप कुछ चंद डॉक्टरों को छोड़ दीजिए, बाकी आयुर्वेद को हे दृष्टि देखना, ये तो उचित नहीं है ना श्वेता जी। स्वामी जी, सुश्रुत संहिता की बात तो वाकई हम अमेरिका में भी हमने देखा है कि किस तरीके से उसके जरिए डॉक्टर ने सर्जरी की थी, लेकिन ये सारी चीजें, सम्मान की ये बातें क्या कोविड के समय होनी चाहिए थी? आज क्या वाकई टकराव की ऐसी स्थिति की आवश्यकता थी? आपने बयान वापस लिया, आपने कहा है, उसके बावजूद अगर ये पूरा मामला बढ़ रहा है तो जाहिर है कि वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो शायद उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने बयान को वापस लेते हुए भी देखिए, अगर उस 10% को बुरा कहते हैं तो आप उसके साथ खड़ा रहना चाहेंगे? आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ, मैं अभी भी उन लोगों के खिलाफ हूं, और अगर वो लोग, तो ये उन लोग हैं कौन, कौन से वाले लोग? देखिए, इसमें क्या है, पहली बात तो ये एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद नहीं है। ये मैं तो कहता हूं, यदि विवाद की बात करें तो IMA वर्सेस आयुर्वेद भी नहीं है, ये एक पूरी ड्रग माफिया है। मैंने उनके खिलाफ कुछ बातें जरूर बोली है, और उस दिन का तो मैंने आपको पहले भी कहा, आज तक पर भी चला व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके मैंने सुनाया था, और उसके बाद में भी मैंने कहा था कि एलोपैथी को मैं एज ए साइंस एडोप्ट करता हूं, और आज मैं 2-3 बातें उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। अभी जो है अक्षय भाई ने भी एक अपना वीडियो अपलोड किया कि भाई जो हमारा योग है, हमारी आयुर्वेद है, वो बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, आप अपने हेल्थ ब्रांड एम्बेसडर खुद बनिए और अपन आत्मनिर्भर बनिए। आमिर खान ने तो इतना बड़ा एक पूरा बखेड़ा हो गया था उस समय कि भाई एक जो है बेसिन टेस्ट होता है, 2 रुपए की दवाई किस तरह से 2000 रुपए में बेची जाती है, जेनरिक दवाइयों को ब्रांडेड दवाइयां करके, अनावश्यक परीक्षण, अनावश्यक ऑपरेशन, अनावश्यक हॉस्पिटलों में एडमिशन, और ये तो पता ही है ना श्वेता जी, आप भी जानते हैं, 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के बिल बनते हैं, क्या है, अफोर्डेबल है? मैं मानता हूं कि एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति, मैंने 25 प्रश्न भी कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किए, मैं मानता हूं कि एलोपैथी की जो श्रेष्ठता है सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, उसके अलावा 98% जो दूसरी दवाएं, BP है, शुगर है, थायराइड है, अर्थराइटिस, रोमेटर अर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, तमाम तरह के एंकोलोजिंग स्पलाइटिस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनके लिए उनके पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, अफोर्डेबल है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और भारत में 70-80% लोग इसी से उपचार करते हैं, तो परस्पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। अब वापस मैं बोल रहा हूं, आप IMA की, अभी आप इंटरव्यू के वक्त ही गूगल की आप सर्च करके IMA वर्सेज आयुर्वेद देख लो, उसको सूडो साइंस कहते हैं, ये तो बात गलत है। एक छोटा सा NGO जो पूरे एलोपैथी का या मॉडर्न मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, वो अंग्रेजों के वक्त में बना हुआ एक NGO था, अब उसमें जो करीब 90% जो उसमें उसके पदाधिकारी आते हैं वो ज्यादातर पॉलिटिकल है। स्वामी जी, पता है, अगर मैं आम लोगों की बात करूं ना, तो आज अगर मान लीजिए किसी के गले में खराश होती है, तो अगर वो एलोपैथिक की दवाई खा रहा होता है तो उसके साथ वो अदरक वाली चाय भी पिएगा, उसके साथ वो मुलेठी का भी सेवन करेगा, इसीलिए आम लोगों ने तो इसको अपने जीवन में साकार करके रखा है और हिंदुस्तान ऐसे ही जीता है। लेकिन ये जो सही नहीं लग रहा है वो ये कि कोविड के समय में इस तरह का टकराव, अब तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी है इस पूरे बात को लेकर, कोरोना के समय में उनके योगदान को लेकर, तो ये चीज कुछ ठीक नहीं लग रही है स्वामी जी। देखिए, मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं, मैं इसको खेत पूर्वक क्षम्यताम कह करके सब
अच्छे जो डॉक्टर हैं, जो आज भी 10-10, 12-12, 18-18 घंटा सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को सलाम करते हुए इस बात को, इस विवाद को जो है तूल नहीं देना चाहता, इसका अंत समापन, इसका पटाक्षेप करना चाहता हूं। लेकिन अब आईएमए वाले जो हमारे भाई हैं, आप उनका ट्विटर हैंडल निकाल करके देखो, इस विवाद से पहले उनको 500-700 लोग फॉलो करते होंगे, अब उनको 5000 लोग फॉलो करने लगे, उनको लगता है हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। स्वामी रामदेव तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहले ही पहुंच चुका था, योग आयुर्वेद को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के, देश के अलग अलग जनजागरण के कार्यक्रमों को लेकर के, दुनिया के 200 देशों में करीब 150-200 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं। मुझे कोई प्रचार नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का कोई विस्तार भी नहीं चाहिए, मैं तो पूरे देश को अपना परिवार मान करके उपचार और उपकार की भावना से योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा और स्पिरिचुअल हीलिंग के इस काम में लगा हुआ हूँ। लाखों करोड़ों लोगों को रोज मैं प्रोत्साहित करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ और सुबह 4 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक सेवा करता हूँ। आगे भी मैं तो अपनी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। और आज श्वेता जी आपके माध्यम से भी, क्योंकि आप देश के एक बहुत ही प्रामाणिक पत्रकार हैं, बहुत गंभीर हैं और कभी भी किसी भी ओछी बात में आप विश्वास नहीं करते, तो मैं भी किसी भी प्रकार के इस वाद विवाद को, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी की भी हानि हो, इस सब को दरकिनार करके मैं इस पूरे विवाद को आपके सामने ही आज तक पर अंत करना चाहता हूं। स्वामी जी आपने कहा ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ नहीं है, ये आईएमए वर्सेस आयुर्वेद भी नहीं है, आपको लग रहा है आपको निजी तौर पर निशाना बनाया गया है फिर? देखो मैंने कहा ये पूरा ड्रग माफियाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है, और निजी तौर पर तो देखो ईर्ष्या तो बहुत लोगों होती है कि ये अनपढ़ माँ बाप का लड़का, ये खेती बाड़ी करने वाला एक साधारण परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ, भगवा पहनता है, वेद दर्शन उपनिषदों की ऋचाएं गाता है, तो बहुत से लोगों को इससे आपत्ति है। अब जो मैं नहीं भी बोल रहा हूँ वो भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जी ने वैक्सीनेशन का विरोध कर दिया। मैं तो कहता हूँ डबल वैक्सीनेशन करो, और डबल वैक्सीनेशन करके योग आयुर्वेद की डबल डोज भी ले लो, तो फिर आपका सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच ऐसा अभेद्य हो जाएगा कि उसको कोरोना सहित कोई बीमारी आपको बेध न पाएगी। और मैं आज फिर एक बार कहना चाहता हूं, लोग मर किस बात से रहे, मर रहे हैं लोग लंग वीक होने से, लीवर किडनी पेनक्रियाज वीक होने से, लो इम्यूनिटी से, नर्वस सिस्टम के वीक होने से, हाई बीपी होने से, बीपी हाई होने से, शुगर हाई होने से। अब इनके इतने साधारण तरीके हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी कर लो, लौकी का जूस पी लो, ज्यादा बड़ा हो तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लो, बीपी क्योर हो जाता है। मैं तो सस्टेनेबल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, खीरा करेला टमाटर गिलोय गुड़मार चिरायता कुटकी सदाबहार का जूस पी लो, मधुनाशिनी मधुर खाड़ो, बीपी बढ़ा हुआ वो आपको मार सकता है कोरोना काल में। नहीं तो साधारण सी बात ही पड़ रहा था ना टकराव देखकर स्वामी जी, ये कोरोना इसीलिए छोटी छोटी चीज है। ये चीज देखिए, आपने ये स्पष्ट किया कि आपका बयान डॉक्टरों के खिलाफ नहीं था, जितना भी बयान गया है आपका आप उसे वापस लेते हैं, डॉक्टर नहीं बल्कि आप एक ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं जिन पर आपका आरोप है। एक दूसरा बयान जो आपका आया था जिसमें ऐसा लगा कि शायद सरकारी सरपरस्ती है, शायद सरकार का हाथ इस तरीके से, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जब गिरफ्तार करो की मांग चल रही थी तब आपने कहा था किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, उस पर आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, उसे लेकर क्या हुआ था? देखिए मैं किसी का अनादर नहीं करता, मैं उसमें भी अगला वाक्य आप देखो, उसके अगला ही वाक्य देखो, मैंने कहा मैं इस देश के संविधान को मानता हूँ, भगवान के विधान को मानता हूँ, और मैंने चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य और मनुष्यतर, जड़ चेतन जीव जगत, जब किसी का अहित नहीं किया और बड़े हल्के मूड में मैंने कहा था, तो मुझे कौन गिरफ्तार कर लेगा भाई, मैंने कोई पाप किया है, कोई गुनाह किया है? और यदि करोड़ों लोगों की भलाई करना, वो परिवार के भाव से उनका उपचार और उपकार करना, और जो भी पुरुषार्थ से अर्थ अर्जित हो उसको परमार्थ में लगाना, क्या गुनाह? और अभी भी मैं कोई अपने कार्य से मैंने मुंह नहीं मोड़ा है, तमाम विवादों के बावजूद भी मैं 18 घंटे सेवा कर रहा हूं, और आपको बहुत जल्दी ही विद इन ए वीक आपको ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस, जो इस फंगस का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से देने वाला हूं, काम हो चुका है, वो अब फाइनल स्टेज में है। पर तो कोरोना ही पर ये सवाल अभी भी है स्वामी जी, आप जो है फंगस की दवाई बना जितने भी अभी भी आईएमए की तरफ से बार बार इस चीज को लेकर आप पर निशाना साधा जा रहा है, फंगस के इलाज की बात कर रहे हैं। देखो अब ये मैंने वही तो कहा ना कि ये आईएमए
कौन सी आ, आ, किसी भी को, ना तो कोई साइंटिफिक एक्रेडिटेशन की, ना कोई साइंटिफिक वैलिडेशन की है कोई बॉडी है इनके पास, ना कोई लैब है, ना कोई इनके पास साइंटिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर हैं। ठीक है, अब लोग भी एक देखा देखी, चलो भाई ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, एक एनजीओ है, कभी कोई ऊंची नीची बात होगी तो चलो मेंबर बन जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये आपने इनका देखा है कभी कि ये क्या क्या करते हैं? पेंट को ये जो है प्रमाणित करते हैं, ये बल्ब को प्रमाणित करते हैं, झाड़ू पोछा लगाने वाली चीजों को प्रमाणित करते हैं, ये क्या तमाशा मचा रखा है। और जो डबल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, साइंटिफिक रिसर्च करके, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई हमने, पूरे वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स में प्रकाशित हुआ, और खाली उसी की नहीं, हमने लिवोग्रिट, लिवामृत, ऐसे ही मधुनाशिनी मधुग्रिट, बीपी ग्रिट, थायरोग्रिट, तमाम जो औषधियां बनाई है वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट वाले जर्नल्स में, रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हो गई, उसको कहते हैं हम साइंटिफिक रिसर्च ही नहीं मानते। क्योंकि इनसे वैलिडेशन कराने के लिए, इनसे एक्रेडिटेशन कराने के लिए हमने इनको पत्र नहीं लिखा, इनको हमने पैसे नहीं दिए। तो ये जो है ये धंधा पैथी थोड़ी है, एलोपैथी, ये गलत बात है। पर वो बिजनेसमैन आपको कहते हैं स्वामी जी, आप पर जो सबसे बड़ा जो आक्षेप लगाते हैं वो ये कि आप आयुर्वेद का बिजनेस कर रहे हैं। अब देखो बहन, पूरी दुनिया में 200 लाख करोड़ का करीब ये फार्मा कंपनियां, जिनको मैं ड्रग माफिया कहता हूँ, ये बिजनेस करते हैं। स्वामी रामदेव तो करोड़ों लोगों का फूक मार करके इलाज करता है। फूक मारो भाई, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, सूर्य नमस्कार करो, कमर में दर्द है तो उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन करो, डायबिटीज है तो मैं तो 10-10 मिनट मंडूकासन, पौनमुक्तासन, उत्तानपादासन कराता हूँ, डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करके देता हूँ। मैं तो सारी दुनिया के डॉक्टरों से आह्वान करता हूँ कि जो भी 1000-2000 डॉक्टर आना चाहते मेरे पास आ जाए, मैं उनको निःशुल्क यहाँ पर सारी व्यवस्था करूंगा, और जिनके पास किराया भी नहीं उनको किराया भाड़ा भी दे दूंगा, आए अपना बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जिन बीमारियों को एकमात्र कंट्रोल कर पाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके मैं क्योर करके दे दूंगा, और किसी से एक चवन्नी नहीं लूंगा। अब उनको इन भगवे कपड़ों से आपत्ति है बहन, मैं इसको कोई विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बात से भारत विरोधी नहीं, लेकिन ताकतें, आपके बयान एंटी वापस इंडिया लेने के पावर्स है, बावजूद स्वामी कुछ जी, ऐसे बयान वापस तेल लेने के माफिया। बावजूद गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अगर काला दिवस, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कहा जाता है कि हम काला दिवस मनाएंगे, आपको क्या लग रहा है आपको कहां तक जाना पड़ेगा? आपको कुछ तो करना पड़ेगा कि ये शांत हो, क्योंकि ऐसे समय में जब सभी डॉक्टरों को अपना सब कुछ झोंकना चाहिए ख्याल रखने में सभी मरीजों का, तो इस तरह की स्थिति देश के लिए ही सही नहीं है। आपने क्या सोचा है, आप क्या कहेंगे, आप क्या करना चाहते हैं कि यह विवाद खत्म हो? मैं प्रथम तो कह रहा हूं कि मेरा अभियान एलोपैथी के खिलाफ नहीं, मैं तो एलोपैथी से भी सिंपैथी रखता हूं, और एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि ट्रीटमेंट की, उसमें विश्वास रखता हूं। दूसरी बात, यदि जाने अनजाने मैंने कोई मैसेज भी पढ़ दिया व्हाट्सएप का, उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त कर चुका हूं, क्षमा मांग चुका हूं। आज फिर कह रहा हूं कि किसी के भी दिल को ठेस पहुंची है, मैं तो सबके प्रति प्रेम करुणा रखता हूं और सबके योगदान को सिर माथे रखता हूं। उसके बावजूद भी कह रहा हूं कि मेरा ये पूरा अभियान और आंदोलन किसी किन्हीं डॉक्टरों के भी खिलाफ नहीं है, और खास करके अच्छे डॉक्टरों के खिलाफ तो कतई नहीं है। और कोई हॉस्पिटलों के मालिकों के दबाव में, या एक पूरा बजटिंग के दबाव में, जो लोग कमाई के दबाव में भी जो कुछ काम कर रहे हैं अब उनको करते रहे, फिर भी इस देश में करीब 60-70% से ज्यादा, तो कहीं कहीं तो 80-90% अच्छे डॉक्टर, उनके भी खिलाफ मेरा आंदोलन, वो आईएमए के बहकावे में ना आए, आईएमए को एक तरफ छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। और मैं तो कहता हूं मेरा यह अभियान आईएमए के भी खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ करके मुझे मिलेगा क्या? मुझे तो करोड़ों लोगों की सेवा करनी है। हाँ, जो ड्रग माफिया है, उन्होंने तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मौत की, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, और डेथ बाई प्रिस्क्रिप्शन, ये अमरीकी डॉक्टर से ऐसी किताबें लिखते हैं, ये तो एक मेरे पास है, ऐसी सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं कि ड्रग्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उससे पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौतें होती हैं। तो क्या सच कहना भी क्या कोई गुनाह है? तो मैं तो हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करता हूँ, सब अपनी अपनी सेवा करें, कोई किसी का वैर विरोध नहीं है, और मैं इस विवाद को
आज तक के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही अंत करना चाहता हूं श्वेता जी। तो स्टूपिड साइंस केवल एक रिएक्शन में कही हुई चीज थी, उसे आप एलोपैथी के साथ, आपको लगता है सब साथ साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? साथ साथ मिलकर आगे बढ़े, और मैंने कहा वो जब सोडो साइंस कह रहे थे, जब कोई आपस में इंटीग्रेटेड साइंस की बात करते थे उसको बोले मिक्सोपैथी कह रहे थे, और उनके अध्यक्ष ने तो हद ही कर दी वो कि भाई ये तो कन्वर्जन का बहुत अच्छा मौका है, वो तो इस एलोपैथी को ओजापैथी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके रिएक्शन में मेरे मुंह से वो शब्द निकले, और उसके लिए मैंने कहा कि मैंने कई बार कह चुका हूँ कि वो कोई मकसद नहीं था। और उसके बावजूद भी मैं एक बात फिर अंत में कहना चाहता हूँ, हम किसी का अनादर नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन वो भी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और हमारी जो स्पिरिचुअल साइंस है, ये तो बहुत बड़ी अल्टीमेट साइंस है, इसका वो भी अनादर नहीं करे, ये भी एक बार मैं पुनः विनम्र प्रार्थना करता हूँ श्वेता जी। स्वामी जी, इसके साथ ही वैक्सीन के मुद्दे को उठा लिया जाता है बार बार, हालांकि आज तक के कार्यक्रम पे आके आपने कहा है कि वैक्सीन साथ में आप लगवाइए क्योंकि देश का ये अभियान है, लेकिन वो पूछते हैं क्या स्वामी रामदेव वैक्सीन लगवा रहे हैं? देखो, मैंने अपना नाम अंतिम सूची में लिखवाया हुआ है, मैं कई बार कह चुका हूं, और हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी थेरापिस्ट हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उन्होंने का सबका वैक्सीनेशन करवा दिया है। तो मैंने अपने आप को, भाई जो बीमार हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, जो जरूरतमंद है, पहले उनको वैक्सीनेशन हो। मेरा जैसा ठाड़ा तगड़ा आदमी जिसको ना बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, सुबह आधा किलो पसीना बहाता हूँ, तो मैं लोगों के सामने एक आदर्श के रूप में कि अब बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो लोग मुझे देख करके जीते, करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं, और मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन भी करो जिसको जिसकी बारी आ रही है, और योग आयुर्वेद की डबल डोज भी ले लो। अब लोगों की संतुष्टि के लिए मैं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का भी वैक्सीनेशन करवा करके जल्दी पूरी मीडिया के सामने उनको प्रस्तुत भी कर दूंगा। अब इतना भी करने के बावजूद भाई किसी को संतुष्टि ना हो तो अब भाई ऐसे को जोर जबरदस्ती करना है किसी को, चलो भाई मेरी भी कर दो, किसी को मेरे को वैक्सीनेशन कराने से ये दुनिया कोरोना मुक्त हो जाए तो मैं तो सब कुछ कराने के लिए तैयार हूं। मैं तो ये एक बात कह रहा हूं और वापस मैं दोहराना चाहता हूं कि भाई जिन लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है पहले उनका तो हो जाए। मैं वैक्सीनेशन का पूर्ण समर्थन करता हूं, और साथ में ये भी कहता हूं कि वैक्सीन के कारण से भी कुछ लोगों को थोड़ा डर लगता है कि भाई उसके बाद थोड़ा फीवर हो जाता है, किसी का शरीर टूटता है, किसी को काफी दिनों तक मस्कुलर पेन आदि हो जाता है, तो मैं कहता हूं उसके बाद भी गिलोय तुलसी ले लो, कोरोनिल खा लो। और मैंने तो एक और रिसर्च किया है श्वेता जी, वैक्सीनेशन के साथ कोरोनिल खिला करके जो उसके सीरो कन्वर्जन रेट है, उनके एंटीबॉडी बनने का रेट है, वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो मैं तो एक मैंने कहा ना, साथ साथ संग अच्छा संवम का उपासक हूं, और वैक्सीनेशन का विरोध करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि जैसे एलोपैथी में बड़े बड़े रिसर्च में उन्हीं के पैरामीटर्स पर सत्यापित कराएंगे कि उसे सर्वमान्य माना जाएगा स्वामी जी। देखिए, इंटरनेशनल जर्नल्स में डबल क्लिनिकल कंट्रोल, डबल ब्लाइंड जिसको कहते हैं, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का वो प्रकाशन हो चुका है, लाखों लोग उस रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और 2DG ये भी जिसका पहला रिसर्च पेपर, आप जाकर के रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में देख लीजिए, 1 लाख लोगों ने 2DG का भी पहला रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किया। ऐसे ही एक नहीं 1000 हम रिसर्च कर चुके हैं बहन जी, श्वेता जी, रस रसायन भस्म पिष्टि पाक अवलेह चूर्ण वटी, इनको खाली अभी लोग आयुर्वेद को चूर्ण चटनी समझते थे लोग, आयुर्वेद को लोग अरे बोले कब्ज की दवाई देते होंगे, इनके पास में कोई सीरियस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मैंने लोगों की हार्ट डिजीज रिवर्स की है, मैंने लोगों का अस्थमा, बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर आदि जिन बीमारियों का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, उनको भी मैंने क्योर किया। आप कोई भी बीमारी देख लीजिए, सोराइटिक अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस है, और टाइप 1 डायबिटीज है, क्या क्या नहीं किया, और ये सारे इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स हैं रिसर्च के उनको फुलफिल करते हुए किया। और कोरोना की दवाई के नाम पर भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया, अब ये भारत सरकार को भी ना माने, भारत के कानून को भी ना माने, इंटरनेशनल जर्नल्स को भी जो ना माने, उनका तो जो है अब कोई गाय को गाय और गधे को गधा ना माने, तो एक आदमी गधे के पीछे खड़ा था, बोले मैं गधे को गधा नहीं मानता, उसने लात मारी तो बोले नहीं नहीं मानता हूं। अब जिसको भी कोरोना हुआ है, हमने एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक और यहां तक कि सीवियर पेशेंट्स को भी
हमने दिया है कोरोनिल, उनको अणुतेल दिया, स्वासारी दिया और स्वासारी गोल्ड दिया जिनको ज्यादा थी, बाकी को आपके सामने मैंने जो है दिव्य धारा आदि के प्रयोग भी बताए, स्वासारी और पंचकोल काढ़े आदि भी बताए, और हमने जिनका 75 से 80% ऑक्सीजन लेवल चला गया था, एक दिन मैंने भी आपके यहाँ शो में भी ऑक्सीजन लेवल डाउन करके कैसे बढ़ाता है प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम, वो भी सब करके दिखाया। इतने प्रमाण देने के बाद भी कोई सच को सच न माने, योग आयुर्वेद को और नेचुरोपैथी को हमारी सनातन संस्कृति के सत्यों को झुठलाने का प्रयास करे, आपत्ति इसी बात से जी। सच को सच कहना क्या गुनाह है और उसको झूठ बोलना ये कौन सी साइंस है? यानी कि आप बयान और विरोध का ये माहौल उसको देखते हुए आप अपने बयान को वापस जरूर करते हैं, आप क्षमा मांगने से भी आप पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन जहां तक आयुर्वेद के सम्मान की बात है आप उस पर अडिग रहेंगे और जितना शोध आपने किया है आप चाहते हैं कि आयुर्वेद का सम्मान भी सामने वाला करे। स्वामी जी अंतिम प्रश्न, इसी अंतिम प्रश्न के साथ ताकि पूरी स्पष्टता के साथ और उसको हम बढ़ाएं। जी जी, इस सम्मान को और बढ़ाएंगे, योग आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, वैदिक जो हमारा ज्ञान है उसको अनुसंधान के धरातल पर और शिखर पर लेकर के जाएंगे और इस विवाद को आज यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मेरी हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना, आओ हम सब मिलकर के परस्परम भाव यंतः श्रेयम परम अवाप्स्यथ संगच्छध्वं संवदधम सोमो मनांसि जानतम, ऋग्वेद का भी अंतिम सूक्त भगवान का भी यही आदेश है, आओ मिलजुल करके सारी जनता की सेवा करें और वो गरीब लोग जो 5-5, 25-25 लाख रुपए के ये बिल अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी इस रास्ते से हम समाधान की ओर लेकर के चले, और जो अपनी बीमारियों का स्थायी समाधान चाहते हैं, सस्टेनेबल हेल्थ चाहते हैं, तो यदि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी सब मिलकर के साथ साथ चलेंगे तो राष्ट्र ही नहीं पूरी मानवता का कल्याण होगा। मेरा तो यही स्टैंड है और यही रहेगा, एक मेरे लिए अभियान है या आंदोलन है और अंतिम श्वास तक मैं पूरे संसार को अपना परिवार मान करके ये उपचार और उपकार करता रहूंगा। श्वेता जी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। स्वामी जी नमस्ते। खबरदार में अब बात देश की वैक्सीनेशन नीति की, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्यों ने वैक्सीन की खरीद पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन केंद्र को खरीदनी चाहिए और इसे बांटने के लिए राज्यों को देना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 11 गैर बीजेपी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन की खरीद के लिए केंद्र पर मिलजुल कर दबाव बनाने की बात की है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी वैक्सीनेशन नीति पर केंद्र से तीखे सवाल पूछे गए। राज्य वैक्सीन की ज्यादा कीमत आखिर क्यों दे? 18 प्लस के टीके राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गांवों में कैसे मुमकिन होगा? क्या नीति बनाने वाले जमीनी हालत नहीं जानते हैं? ये वो सवाल है जो सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में उठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आखिर सरकार की वैक्सीनेशन नीति है क्या, क्योंकि वैक्सीन खरीद के लिए राज्यों को एक दूसरे से कंपटीशन में लगा दिया। नगर निगम तक वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर रहे हैं। क्या यही केंद्र की नीति है? केंद्र सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीके खरीद रहा है, 45 साल से नीचे की आबादी के लिए टीके क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं? 45 प्लस आबादी के लिए तो केंद्र राज्यों को टीके दे रहा है, लेकिन क्या 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण को राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया? राज्य अपने लिए वैक्सीन की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्या केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि राज्यों को टीका मिल जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा? वैक्सीन की कीमत तय करने वाली कोई नीति भी साफ नहीं है। केंद्र को वैक्सीन सस्ती मिल रही है जबकि वही वैक्सीन राज्य महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वैक्सीन की कीमत और वैक्सीन की खरीद दोनों पर केंद्र सरकार की नीति और सोच सवालों के कटघरे में खड़ी थी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया वैक्सीन की उपलब्धता के संकट का सामना कर रही है, वैक्सीन बनाने वालों की कमी है। अगर कोर्ट वैक्सीन की कीमत निर्धारण के बारे में भी जांच करेगा तो इससे सप्लाई में रुकावट आएगी। वैक्सीन की अलग अलग कीमत वाले सवाल पर केंद्र ने जवाब दिया कि उसने राज्यों और वैक्सीन निर्माताओं से बातचीत की है और इस बात पर राजी किया है कि सबके लिए एक कीमत तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्र ने भरोसा दिलाया और उम्मीद जताई कि 18 साल से अधिक उम्र के
सभी लोगों को इस साल के आखिर तक टीका लगा दिया जाएगा। लेकिन केंद्र के इस जवाब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के सवाल नहीं रुके, क्योंकि वैक्सीनेशन में सिर्फ वैक्सीन की खरीद और उसकी कीमत ही मुद्दा नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिजिटल डिवाइड की बात की और ये पूछा कि इसको देखते हुए क्या इंतजाम किए गए, कोविन ऐप पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन ग्रामीण इलाकों में कैसे व्यावहारिक होगा। सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन झारखंड के किसी गांव का मजदूर अगर राजस्थान में है और वहां टीका लगवाना चाहता है तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो ई कमेटी के चेयरमैन हैं, जो समस्याएं आती हैं उन्हें जानते हैं। नीति बनाने वालों को लचीला होना चाहिए, जमीनी हालात पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में खरी खरी बात हुई। वैक्सीनेशन में ग्रामीण इलाकों पर अब तक ध्यान नहीं है, 75% वैक्सीनेशन शहरी इलाकों में हुआ है। कोर्ट ने सरकार से उसके नीति साफ करने को कहा, दस्तावेज देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार नीति में सुधार करे, अपनी कमियों को स्वीकार करना मजबूती की निशानी होती है और कोर्ट में ये सुनवाई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हो रही है। विदेश मंत्री जरूरी चीजों के इंतजाम के लिए अमेरिका गए थे, इसी से हालात की गंभीरता का पता चलता है। इसलिए अभी ऐसा कोई आदेश पारित नहीं होगा जो किसी बातचीत में रुकावट डाले। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते दिए हैं कि वो कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर सके, लेकिन इस सुनवाई में वैक्सीनेशन नीति का सच से सामना हो गया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन की कीमत दोनों पर सवाल इसीलिए हैं कि सरकारी सेंटर में जहां वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाती है वहां पर आसानी से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डिमांड के हिसाब से वैक्सीन की डोज नहीं आती। अगर निजी अस्पतालों में टीका लगवाने लोग जाते हैं तो एक व्यक्ति को टीके के लिए 900 से 1200 रुपए देने पड़ते हैं। अगर परिवार में 4 लोग हैं तो परिवार का वैक्सीन पर खर्च 3,500 से 5,000 हो जाता है। एक परिवार के लिए ये मामूली रकम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में 2 बड़ी बातें और आई हैं। पहली बात, गांवों में अच्छी क्वालिटी के मास्क मुफ्त में देना, क्योंकि ग्रामीण आबादी साधारण कपड़े के मास्क पर निर्भर है और इसका बार बार उपयोग करती है। इन्हें मुफ्त मास्क मुहैया करवाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी बात, कोरोना के इस दौर में मृतकों का गरिमा के साथ अंतिम संस्कार करना, क्योंकि शमशान की जगह कम पड़ती है, जगह जगह शमशान गृह काम नहीं कर रहे, खर्च उठाने में सक्षम न होने से गरीब परिवार अंतिम संस्कार तक नहीं कर सके। ये सबने देखा कि किस तरह से शव गंगा में बहते हुए मिले, इस पर भी सरकारों को कुछ करना होगा। देश के वैक्सीनेशन अभियान के सामने कोई मामूली चुनौती नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार ये दावा कर रही है कि दिसंबर तक सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन का गणित समझने की जरूरत है जिससे इस बड़ी चुनौती को समझा जा सके। देश में 18 साल से ऊपर की कुल आबादी करीब 94 करोड़ मानी जाती है। अभी सिर्फ 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है, यानी अभी करीब 89 करोड़ लोग बाकी हैं जिनका वैक्सीनेशन पूरा होना है। 94 करोड़ की व्यस्क आबादी में सिर्फ 17 करोड़ लोगों को पहला टीका लगा है, यानी 77 करोड़ लोगों को अभी भी पहले टीके का इंतजार है। करीब 13 करोड़ लोगों को दूसरे टीके का इंतजार है। इसके हिसाब से पूरी व्यस्क आबादी का वैक्सीनेशन कंप्लीट करने के लिए जून से दिसंबर तक के 7 महीने में कम से कम देश को करीब 167 करोड़ डोज की जरूरत होगी, यानी अब से दिसंबर तक हर महीने करीब 24 करोड़ डोज देश को चाहिए, जबकि अभी सरकार का अनुमान है कि जून में 12 करोड़ डोज ही उपलब्ध होंगी। दिसंबर तक के टारगेट को पूरा करने के लिए 24 करोड़ डोज के हिसाब से हर दिन करीब 80 लाख। सरकार का महत्वाकांक्षी कोरोना टीकाकरण अभियान हिचकोले खा रहा है। न सिर्फ वैक्सीन की कमी है, बल्कि डर, अफवाह और वैक्सीन के असरदार होने पर जबरदस्त कंफ्यूजन है। इस बीच भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा डोज कोविशील्ड की लगाई जा रही है। अब तक लगी वैक्सीन डोज में से 90% से ज्यादा कोविशील्ड है।
भारत सरकार अगले कुछ महीनों में इस बात पर रिसर्च करेगी कि क्या कोविशील्ड की सिंगल डोज कोरोना से रक्षा के लिए काफी है। हर वैक्सीन की अलग अलग डोज में समय का एक निश्चित अंतर होता है और ये अंतर इसलिए होता है ताकि अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन सकें। कोविशील्ड को लेकर अलग अलग रिसर्च आई। वैक्सीन की डोज के बीच का गैप कई बार बढ़ाया गया। माना गया कि जो व्यक्ति कोरोना से बचा हुआ है उसे दो डोज लगाने पर ही पर्याप्त एंटीबॉडीज बनेंगी। भारत में 4,30,00,000 से ज्यादा लोगों ने दोनों डोज ली हैं और इनमें एंटीबॉडी भी बनी है, लेकिन बहुत से ऐसे केस भी होते हैं जिनमें एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। एक्सपर्ट बताते हैं कि पर्याप्त एंटीबॉडी बनने का फार्मूला क्या है। वैक्सीन की एक सिंगल डोज सफिशिएंट होती है आपको प्रोटेक्ट करने में कोविड से, बट किसी भी वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है जो कुछ महीनों बाद दी जाती है, कई बार 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जिसका काम होता है मेमोरी सेल्स बनाना जो आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं जिनको 2 डोज लग गई होती है वैक्सीन की, बट उनका एंटीबॉडी काउंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड से प्रोटेक्टेड नहीं है। वैक्सीन जब लगती है उससे एक टी सेल रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है जो एंटीबॉडी टेस्ट में दिखता नहीं है, बट लोग उससे प्रोटेक्टेड होते हैं। सवाल ये भी है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में एंटीबॉडीज कितनी तेजी से बनती हैं। वैज्ञानिक इसका जवाब तलाश रहे हैं। साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए लोगों में वैक्सीन की एक डोज काफी है, उन्हें बूस्टर या दूसरी डोज लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से बनती है और अगर कोरोना से रिकवर हुए लोगों को वैक्सीन का एक डोज भी मिल जाए तो इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी अपनी स्टडी में पाया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है और उन्हें दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। हालांकि BHU के वैज्ञानिकों ने 20 लोगों पर अध्ययन किया है और इस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए भेजा है। आगे और गहरी रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन ये एक संकेत तो है ही। तो वो लोग जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उबर चुके थे, जो लोग ठीक हो चुके थे, उनमें फर्स्ट और सेकेंड वीक में ही एंटीबॉडीज बन गई, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन गई, जबकि वो लोग जो लोग कोरोना वायरस जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनमें थर्ड और फोर्थ वीक में जाकर के एंटीबॉडीज बनी, कम एंटीबॉडीज बनी। और दूसरी चीज 90% लोगों में ही बनी, जो 10% लोग थे उनमें हम लोगों ने इवन अभी 7-8 वीक्स तक चेक किए हैं, बट उनमें अभी तक एंटीबॉडीज नहीं बनी है। तो ये बहुत ही साफ है कि वो लोग जो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से निकल चुके हैं, वो लोग जो है वो सिंगल शॉट उनके लिए एनफ है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किया है और ये सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही दी जाए, इससे वैक्सीन का संकट दूर होगा। अगर हमारे पास ऑलरेडी 2 करोड़ के आसपास लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को अगर हम जो है वैक्सीन एक सिंगल शॉट दें तो हमारे पास 2 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन की डोज होगी, और जिसको हम लोग अगर हमारे पास वैक्सीन की किल्लत है तो उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं और एक बड़े नंबर ऑफ सैंपल्स को, बड़े नंबर ऑफ लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे दावों का पूरा सच क्या है? क्या कोरोना से ठीक हुए मरीजों को वैक्सीन की दूसरी डोज की जरूरत ही नहीं है? हमें ये समझना चाहिए कि डोज का निर्धारण किस आधार पर होता है और ये कैसे पता लगेगा कि वैक्सीन का एक ही डोज पर्याप्त है। हमने भी इन सवालों का जवाब मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से पूछा। वैक्सीन लेने के बाद 2 डोज, ये संपूर्ण सुरक्षा जो है वो सिर्फ मृत्यु को रोकने में आता है, और जो सीरियस इलनेस बोलते हैं जैसे वेंटिलेटर की जरूरत हो उसको रोकने में इसका संपूर्ण सुरक्षता को देखा गया है। 2 खुराक के बिना सिर्फ 1 खुराक लेना बिल्कुल कोई सबूत नहीं है उससे कोई फायदा होगा। UK सरकार ने भी एक स्टडी करके ये पता किया कि जो B.1.617.2 वेरिएंट है, जो फिलहाल ब्रिटेन में बहुत ज्यादा फैल चुका है, उसके खिलाफ भी अगर वैक्सीन की एक नहीं लेकिन 2 डोज लगाई जाएं तो ज्यादा सुरक्षा लोगों को मिलती है। और इसीलिए शायद भारत सरकार फिलहाल जितने लोगों ने 1 डोज वैक्सीन लगा ली है उन पर एक तरीके का अध्ययन करने की सोच रही है। वैक्सीन की कमी है, करोड़ों लोग कतार में हैं और सबकी उम्मीद यही है कि पर्याप्त एंटीबॉडीज बन जाएं ताकि कोरोना जानलेवा ना हो और शरीर संक्रमण से लड़ सके। सिंगल डोज वाली कई वैक्सीन आने वाली है। स्पुतनिक लाइट और मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन पर भारत की नजर है।
और इसी के साथ भारत इस संभावना को भी खंगाल रहा है कि क्या कोविशील्ड की एक डोज लोगों को इम्यूनिटी देने में सक्षम होगी। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन के वैज्ञानिक गणित के बाद अब मेहुल चौकसी पर आपको अपडेट दे देते हैं। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के एंटीगा से डोमिनिका पहुंचने का रहस्य गहरा गया है। मेहुल के डोमिनिका पहुंचने के समय एक महिला उसके साथ थी, लेकिन इस महिला का रोल क्या था और वो क्यों उसके साथ थी, इसे लेकर अभी सस्पेंस है। आज तक के पास उस महिला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन खुलासों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या मेहुल चौकसी जल्द भारत आएगा या मामला अटक जाएगा। मेहुल चौकसी के साथ क्या हुआ? एक महिला के झांसे में मेहुल लग्जरी बोट पर मौज मस्ती की ट्रिप करने गया और फिर अगवा होकर डोमिनिका पहुंचा, या फिर क्यूबा भागने के चक्कर में उसकी किस्मत ने धोखा दे दिया। मेहुल चौकसी का एंटीगुआ से फरार होना और फिर दो दिनों बाद डोमिनिका में हुई उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई अनसुलझे सवाल और दावे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जब मेहुल डोमिनिका पहुंचा तब वो वाकई एक महिला के साथ था। ये हनी ट्रैप का मामला हो सकता है। सूत्रों की माने तो पहले इस महिला ने मेहुल चौकसी के साथ में मुलाकात शुरू की, जो जल्द ही दोस्ती में बदल गई। 23 मई की शाम को 6 बजे उसने मेहुल चौकसी को अपने मरीना स्थित घर में इनवाइट किया और जैसे ही मेहुल चौकसी वहां पर पहुंचा, वहां पर पहले से ही मौजूद लोगों ने पहले उसकी पिटाई की, उसका अपहरण किया और समंदर के रास्ते उसे डोमिनिका पहुंचा दिया, जहां पर उसकी गिरफ्तारी हो गई। भारत में मेहुल के वकील भी उसके डोमिनिका पहुंचने में महिला का रोल होने का दावा कर रहे हैं। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आके रहती थी और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो इन्होंने वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी और जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। इस मिस्ट्री वुमेन का चक्कर क्या है, इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ मेहुल के डोमिनिका पहुंचने का खुलासा सबसे पहले एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने किया था। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error. मेहुल के डोमिनिका पहुंचने की कहानी सस्पेंस भरी है। इस बीच आज तक को डोमिनिका के अस्पताल से उसकी नई तस्वीरें हासिल हुई है। तस्वीरों में मेहुल के शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं, जिसे मेहुल के वकील ने टॉर्चर का सबूत बताया है। और ये जेन्युइन इंजरीज हैं, और जब उनको उठाया गया फोर्सिबली एंटीगा से और यॉच पे रखा गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उस बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजरीज हैं। इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उनको कोविड टेस्ट कराया गया, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो इन्हीं इंजरीज की वजह से अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मेहुल चौकसी के एंटीगुआ से फरार होने में ये दावा भी हुआ है कि वो जाली दस्तावेजों के जरिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागा। हालांकि जिस ट्रेवल फर्म की सेवाएं लेने की बात सामने आई है, उसने आज तक से बातचीत में कहा कि मेहुल चौकसी और उसकी कथित गर्लफ्रेंड उसके कस्टमर नहीं थे। Well, honestly, I do not know. Apart from the photos that are circulating, I do not know what Mehul Chokshi look like. But based on the photos that are circulating, I did not see anybody of that look on this particular boat, or not the boat, or anybody that we did clearances for. मेहुल चौकसी के डोमिनिका पहुंचने की मिस्ट्री किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। इस बीच उसे लेकर एंटीगुआ की सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दोनों ओर से मेहुल के साथ मिली भगत का आरोप एक दूसरे पर लगाया गया है। मेहुल को लेकर दो अलग अलग महाद्वीपों में हंगामा बरपा है। वो अब डोमिनिका से वापस एंटीगुआ जाएगा या भारत लाया जा सकेगा, ये लाख टके का सवाल बना हुआ है। दिल्ली से गीता मोहन और पूनम शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की एक छोटी सी खुराक सरकार ने जारी की है। सस्ते और आसान कर्ज को मुहैया कराने वाली ईसीएलजीएस स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार
ECLGS में एविएशन सेक्टर को भी शामिल किया गया है, जिसे अभी तक किसी तरह की राहत नहीं मिली थी। कोरोना की मार झेल रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने खुशखबरी का ऐलान किया है। सरकार ने रोजगार मुहैया कराने में आगे रहने वाले इस सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS की मियाद को बढ़ा दिया है। नए ऐलान के तहत 3,00,000 करोड़ रुपए की ECLGS को 3 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब इस स्कीम को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, या जब तक इस स्कीम के तहत 3,00,000 करोड़ रुपए की रकम बतौर कर्ज दी जाती है तब तक ये स्कीम जारी रहेगी। इस स्कीम के विस्तार की मांग एमएसएमई सेक्टर लगातार कर रहा था। हालांकि एमएसएमई सेक्टर ने जिस तरह की राहत मांगी थी वो अभी भी अधूरी है। ये सेकेंड वेव में एमएसएमई पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली जो सर्विसेज सेक्टर में है, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में, उन पे इम्पैक्ट और भी ज़्यादा है। तो हमारी कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि एमएसएमईज को क्या 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल लिमिट्स दिया जा सकता है कोई एडिशनल कोलैटरल के बिना। वित्त मंत्रालय ने ECLGS 3.0 के तहत कर्जधारकों को कुछ और सहूलियतों को देने का ऐलान किया है। इनमें 500 करोड़ रुपए तक के लोन के बकाया होने की शर्त को हटा दिया गया है। इसमें हर कर्जधारक को अतिरिक्त ECLGS सहायता की सीमा 40% या 200 करोड़ रुपए में जो भी कम है वो बताई गई है। ECLGS 3.0 का क्षेत्र सिविल एविएशन सेक्टर को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है। सिविल एविएशन सेक्टर को फायदा मिलने के बावजूद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की अनदेखी इस बार के ऐलान में भी की गई है, जबकि ये सेक्टर कोरोना के असर से सबसे ज्यादा नुकसान उठा चुका है। ऐसे में सरकार को बिल्कुल प्रोएक्टिव तरीके से आके सब इस पूरे ट्रेड सेक्टर की और इंडस्ट्री सेक्टर की मदद करनी पड़ेगी। जो एक लोन गारंटी स्कीम है ECLGS स्कीम, जिसके 3,00,000 करोड़ रुपए की स्कीम अनाउंस हुई थी, वो कम से कम पिछले साल वो इसको कम से कम बढ़ाकर 6,00,000 करोड़ रुपए करना पड़ेगा, जो एक एक बहुत जरूरी है ताकि इंडस्ट्री बन सके। वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई के साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर को भी आसान कर्ज मुहैया कराने के लिए स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट को लगाने के लिए 2 करोड़ तक के लोन पर 100% गारंटी का भी ऐलान किया है। इसमें ब्याज दर की सीमा 7.5% रखी गई है। उम्मीद है कि इस योजना के विस्तार के साथ ही सरकार एमएसएमई सेक्टर के सबसे ज्यादा प्रभावित और इस स्कीम के दायरे में ना आने वाले सेक्टर्स को भी जल्द राहत देगी, जिससे वहां पर भी रोजगार मिलता रहे और अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों के लिए लॉग ऑन करें aajtak.in पर या डाउनलोड करें आज तक का मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।